नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थ सारथी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पार्थ सारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आप सभी के समक्ष एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी जानेंगे कि निपुण स्कूल नॉमिनेशन DCF कैसे भरा जाएगा। अभी आज ही महानिदेशक का आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि कुछ ही विद्यालयों के द्वारा निपुण विद्यालय नामांकन हेतु DCF भरे गए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द सभी को भर देना है। तो आइए हम आपको आदेश दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे निपुण विद्यालय नामांकन हेतु DCF भरा जाएगा। आपको प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करके हम दिखाएंगे। साथियों, यह एक जो टेक्स्ट मैसेज है जो महानिदेशक के द्वारा दिया गया है कि समस्त BSA BO DCT SRG RP शिक्षक संकुल एवं प्रधानाध्यापक ध्यान दें कि जो निपुण विद्यालय के चयन हेतु DLED प्रशिक्षुओं के द्वारा माह दिसंबर में आकलन किया जाना है, उसी के क्रम में दिसंबर 2024 में आकलन हेतु विद्यालयों का नामांकन किया जाना है, जिसके निर्देश पूर्व में सभी को प्रेषित कर दिए गए थे, जिसमें बताया गया है कि अभी तक केवल 9,700 विद्यालय द्वारा ही नामांकन दर्ज किया गया है, जो कि संख्या बहुत ही कम है। और जनपदवार सूची संलग्न है, जो आपकी मैं आगे दिखाता हूँ। तो इसलिए कहा गया है कि जो भी सभी को निर्देशित किया जा रहा है कि माह दिसंबर 2024 में आकलन हेतु इच्छुक जो समस्त प्रधानाध्यापक शिक्षक हैं उनको प्रेरित करें और प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध DCF में 5 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से यह जो नामांकन है उसे कर देना है, अर्थात जो DCF है उसे फिल कर देना है। साथियों, महानिदेशक के द्वारा यह जो PDF है वह शेयर की गई है, जिसमें निपुण विद्यालय नॉमिनेशन DCF ट्रैकर की PDF है, जिसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि जो DCF भरा जाना है उसे भरना है, जिन्होंने नहीं भरा है उन्हें 5 दिसंबर तक इसे भर देना है, और किस जनपद के द्वारा कितने DCF भरे गए हैं उनकी सूची आपको यहां पर प्रदर्शित हो रही है। आप इसे देख सकते हैं और अपने जनपद की स्थिति को जान सकते हैं। साथियों, हमें गूगल क्रोम पर जाकर प्रेरणा पोर्टल लिख देना है और वहां से हमें मिशन प्रेरणा की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। चूँकि जो DCF भरा जाना है वह प्रेरणा पोर्टल के थ्रू ही हमें भरना है, तो हमें प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। हम अपने विद्यालय की जो प्रेरणा पोर्टल ID है उसे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हम जो बैंक डाटा अपलोड है यहाँ से टीचर लॉगिन पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल कर देंगे और फिल करने के पश्चात हम लॉगिन करेंगे। इसके लिए टीचर साइनअप का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हमें क्लिक करना है और अपना रजिस्टर्ड नंबर जो है उसे फिल करते हुए हमें लॉगिन कर लेना है। हमें प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के पश्चात हमारा जो प्रेरणा पोर्टल का डैशबोर्ड है वह ओपन होकर आ जाएगा, जो कि हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। हमें पोर्टल पर सबसे नीचे आ जाना है, बाईं तरफ जो कैप्शंस दिए गए हैं उसमें आप हम देखना है, न्यू में एक ऑप्शन आ रहा है निपुण स्कूल नॉमिनेशन DCF, हमें इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात निपुण विद्यालय नामांकन हेतु DCF भरने के जो निर्देश हैं वह आपको सामान्य जानकारियां हैं वो आपको दी गई हैं कि नामांकन का महत्व क्या है, हमें कब तक इसे करना है और नामांकन के पहले हमें क्या क्या कर लेना है, कक्षा एक में जो आकलन हेतु प्रस्तावित प्रश्न हैं वह किस प्रकार से होंगे और कक्षा दो में किस प्रकार से होंगे, इसे यहाँ पर दिया गया है। इसके पश्चात अगली प्रोसेस दी है नामांकन करने की बात की प्रक्रिया, तो इसको हमें पूरा पढ़ लेना है और उसके पश्चात DCF भरने के लिए आवश्यक जानकारी हमें दे देना है, जहाँ से हमें जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड और विद्यालय का नाम यहाँ पर दिया गया है। अंत में विकल्प आ रहे हैं, नहीं, मेरे विद्यालय को समय और समय की आवश्यकता है, और अगला विकल्प आ रहा है ग्रीन में, मैं निपुण विद्यालय बनाने के लिए तैयार हूँ। तो यदि आपको अपना विद्यालय निपुण बनाना है, बनवाने के लिए आपको आकलन करवाना है DLED प्रशिक्षुओं के द्वारा, तो आपको मैं निपुण विद्यालय बनाने के लिए तैयार हूँ पर क्लिक कर देना है और नहीं मेरे विद्यालय की को और समय की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार साथियों हम निपुण स्कूल नॉमिनेशन DCF भर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जो वीडियो है वह पूर्णतया समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे आपके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।